से अमृतसर के लिए फ्लाइट की शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ एक इतिहास के पन्नों में आज शिमला एयरपोर्ट का नाम फिर से दर्ज हुआ, जहाँ अब अमृतसर, पहले फ्लाइट धर्मशाला और उसके बाद दिल्ली जाती थी, अब अमृतसर भी जाएगी। और मैं समझता हूँ शिमला जो कि एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद अमृतसर और स्वर्ण मंदिर, और उसके लिए शिमला से फ्लाइट की सुविधा एक आने वाले समय में पर्यटकों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा जो निरंतर हिमाचल प्रदेश को एक के बाद एक सौगात देते हैं, चाहे वंदे भारत ट्रेन की हम बात करें, चाहे हम अभी जो एयर कनेक्टिविटी शिमला एयरपोर्ट की बात करें, धर्मशाला के एयरपोर्ट को एक्सपेंशन की बात करें, मंडी का जो एयरपोर्ट प्रस्तावित है उसकी बात करें, अर्थात हिमाचल प्रदेश को लगातार जो है केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, और चाहे कनेक्टिविटी की हम बात करें या विकास की हम बात करें, तो मैं समझता हूँ आज का दिन शिमला के लिए शुभ दिन है और नई फ्लाइट की शुरुआत होना ये हम सब के लिए खुशी का दिन है। तो मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का और हमारे जो उड्डयन मंत्री है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक नई फ्लाइट की शुरुआत आज यहाँ शिमला से अमृतसर के लिए की। एक सर, डायनामिक पॉलिसी जो आपकी जो फेयर पॉलिसी है इसको आप आगे ले जाएंगे सर? देखिए, फेयर को लेकर कुछ विषय ध्यान में आए हैं निश्चित रूप से केंद्र सरकार के, और विशेष रूप से हमारे जो सामान्य मंत्री हैं उनके ध्यान में विषय लाया जाएगा, ताकि लोगों को जो है सुविधा के साथ साथ जो है उचित किराए में जो है सुविधा मिल सके।